दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की वो जो घटना है जहाँ पे एक आदिवासी युवक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घिनौना काम हुआ है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो सामने आया जिसका नाम प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने जो मूत्र विसर्जन का जो काम किया है, जो कांड किया है, वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बीते कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोगों ने इसको कवर किया है और ये मामला बहुत आगे तक बढ़ा, यहाँ तक कि वो मामला बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसमें कड़ा एक्शन भी लिया, उस प्रवेश शुक्ला को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद जब लोगों ने बुलडोज़र का जिक्र किया तो बुलडोज़र भी चला दिया गया। अब आगे मामला बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को उस आदिवासी युवक को बुलाकर उसके पैर धोने की भी नौबत आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है, ये मामला मध्य प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को इससे नुकसान होने के आसार लग रहे हैं। बात ये थमी नहीं, कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि उस आदिवासी युवक ने एक हलफनामा भी डाला। उस हलफनामे में साफ तौर पे लिखा है कि मेरे साथ ये सब घटनाएं नहीं हुई है, ये अफवाह है, ये झूठी खबर है। लेकिन बात ये जो बात की गंभीरता को अगर अब देखा जाए तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, इस विषय पे उन्होंने अपनी राय ज़रूर दी है, सब ने इस बात को कंडेम किया है। ये जो घटना है ये शर्मनाक घटना है, इस घटना को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अब ये बात आ गई है आदिवासी युवक के ऊपर, बात आ चुकी थी तो आदिवासी संगठनाएं जो अलग अलग आदिवासी के उत्थान के लिए काम करने वाली जो संगठना है वो कहीं ना कहीं उनका ज़मीर जागा और उन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन लेना शुरू किया। अभी हाल ही में एक संगठन का मैं नाम जिक्र करूँगा जो आदिवासी समाज के लिए काफ़ी सालों से प्रयासरत है और बेहतरीन काम कर रहा है। अफोर्ड करके एक संगठन है जिसने इस विषय पे सामने आके कुछ एक्शन लिया है। अफोर्ड करके जो ऑर्गेनाइजेशन है आदिवासी की जो संगठन है उसके फाउंडर एडवोकेट राजेंद्र मदसकोल्ले जी का मैं एक फेसबुक में पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को मैंने देखा तो पता चला कि उन्होंने वहाँ के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी एक लेटर लिखा है, साथ ही साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भी एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने उस पूरे इसका जिक्र किया है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से कोई लोग उठ रहे हैं और इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो बात करना भी ज़रूरी है, बात जब तक नहीं होंगी तब तक ऐसे मामले ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आए दिन हमको इस मामले के बाद दूसरा एक मामला वो सामने आया, किसी एक युवक को 8 से 10 दिन अगवा किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसको मारा गया और उसे उसके पैर तक के चाटने को मजबूर कर दिया गया। तो ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही है और ये क्यों हो रही है, मानसिकता इंसान की आज मानसिकता कहाँ चली गई, लोग इंसानियत भूल चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी एजेंडे के लिए। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, क्या मध्य प्रदेश की सरकार लेंगी इसकी ज़िम्मेदारी या कौन लेगा, या वहाँ की प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी लेंगी, क्योंकि ऐसे वाक्या बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे चीज़ों को इस पर और कड़ी एक्शन लिया जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कि मदसकोल्ले जी ने जो पोस्ट डाला था, मैं एक पोस्ट पढ़ के आपको बताता हूँ, उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में दशमथ रावत इस कोल आदिवासी पर पेशाब करने वाले प्रवेश करण और अन्य घटना, आदिवासियों की स्थिति मध्य प्रदेश में मामा की सरकार ठीक नहीं है, ये प्रतीत होता है। मूते शुक्ला धोए चौहान, बीजेपी की यही है पहचान, ऐसे नारे मध्य प्रदेश में लगना, और जिस प्रदेश में तकरीबन 22% आदिवासी है उस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को लेकर ऐसी स्थिति, ये बेहद चिंताजनक है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की है और अपने लेटर में, अपने निवेदन में उन्होंने इसका जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि इस विषय पे एडवोकेट राजेंद्र मदसकोल्ले जी का हम एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे, इस विषय पे उनके विचार जो है
हम आप तक के पहुंचाना चाहेंगे। तो बने रहिए दोस्तों सच 24 चैनल में, देखते रहिए सच 24 चैनल।